भाई किसी को टेढ़ी टांग दे दी, किसी को अच्छी दे दी, किसी को अंधा कर दिया, किसी को लूला लंगड़ा खाना दुराचारी, किसी को पापी, किसी को पुण्यात्मा, किसी को धर्मात्मा, किसी को महात्मा, किसी को योगात्मा, तो ईश्वर की मौज ऐसी कैसी। जैसे उछलंक व्यक्ति को जैसा आया ऐसा कर दिया तो ईश्वर के साथ ऐसा तो नहीं लगेगा, तो दर्शन शास्त्र की जरूरत पड़ी। बोले ईश्वर अपने अपने सामने वाले के कर्म के अनुसार संविधान किए हुए, इसीलिए ईश्वर का संविधान ऐसी व्यवस्था करता है। ईश्वर की सत्ता सब में है, लेकिन जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं। तो महात्मा से पूछा कि आप अगले जन्म के कर्म को या आने वाले भविष्य को आप बता सकते हैं महाराज जी? बोले बीते हुए शरीरों को हम नहीं बता सकते, आने वाले शरीरों के लिए हम नहीं बता सकते, लेकिन वर्तमान की चेष्टा से हम मान सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसी योनी से आया है और ऐसा जाएगा। वर्तमान को जान लिया तो भूत को भी जान लोगे, भविष्य को भी जान लोगे। जैसे कोयले की खदान से कोई घूम के आया तो भी पता चलेगा कि कुछ काली माली है, कोयले की खदान से आया है। रुई के गोदाम से आए हुए व्यक्ति के शरीर में रुई के कुछ कण पाए जाएंगे। दवाई की फैक्ट्री से निकला हुआ व्यक्ति के शरीर से दवाई के कुछ कणों की बदबू आ सकती, सुगंध दुर्गंध। डीजल और पेट्रोल की जगह पर उसी की बू आती है। ऐसे ही जो व्यक्ति जिन शरीरों से आया है उसका अनुमान लगाया जा सकता है, और जो माता पिता है, नाना नानी है, दादा दादी है, और जैसा उसका संग है उसी प्रकार की उसमें हरकत चेष्टा देखी जाती है। और जिस प्रकार की अभी उसकी रुचि बनी है उसी प्रकार के आगे के जन्मों में उसको जाना है। तो वर्तमान जीवन का अध्ययन करने से, वर्तमान रुचि का विश्लेषण अनुसंधान करने से कह सकते हैं कि कहाँ से आया होगा और कहाँ जाएगा। एक गांव में ब्राह्मणी का लड़का 16-17 साल की उम्र में, वो ब्राह्मणी विधवा हो चुकी थी, पिता को बाप को बेटे ने नहीं देखा था। उस ब्राह्मणी के पुत्र की ऐसी हरकत देखकर गांव के लोग ताज्जुब करने लगे कि ये छोरा ब्राह्मण का बेटा होते हुए भी बछड़े बछड़ियों को पुचकार के किनारे ले जाता है, फिर उनके कान काटता है, उनके अंग पर कैंची चला देता है, ये क्या कारण होगा? क्या अगले जन्म का ये कसाई है कि इस जन्म की किसी कसाई की परंपरा से आया है? तो उसकी विधवा माँ को समझाने वालों ने समझाया कि सच बता, ये बालक वास्तव में किसका है बीज? बोले इसके बाप मरने के पहले थोड़े बीमार थे तो मेरे को किसी कसाई ने पटा रखा था। तो आप पूछते हैं, इतने पवित्र ब्राह्मण पूछते, मैं झूठ बोलकर क्यों नरकों में जाऊंगी? तो इसका बाप मरने के कई महीने पहले लाचार स्थिति में होने के कारण उस कसाई का मुझ पर जादू चल गया और ये बीज कसाई का है। तो कसाई के बीज से पैदा हुआ ब्राह्मणी के गर्भ में बालक, वो बछड़े बछड़ियों को पकड़ता है, उनके कान काटता है, उनके अंग काटता है। तो माता पिता के संस्कार बच्चे में दिखेंगे, नाना नानी के, दादा दादी के दिखेंगे, और अगले जन्म के भी दिखेंगे।
सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। जो इस जन्म में पवित्र जीवन जीता है, ध्यान भजन करता है, सत्कर्म करता है, उसकी रुचि ऊंची है। भगवत योग, भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान का अवसर उसे मिला है, फिर भी इतनी उसकी तीव्र यात्रा नहीं कि इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। तो अधूरी साधना वाला व्यक्ति मर जाता है तो उसे स्वर्ग लोक मुफ्त में ही मिलता है। जितनी इच्छा हो स्वर्गीय जीवन जिए, बाद में वो शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जाए थे, योग पूर्ण नहीं हुआ, अधूरे योग वाला योग भ्रष्ट कहा जाता है। या तो पवित्र कुल में जन्म लेता है या तो किसी धर्मात्मा योगी के घर जन्म लेता है। तो मानना पड़ेगा कि भगवान की मौज किसी को कुछ बना दे नहीं, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति की रुचि के अनुसार जन्म बनते हैं। मानो किसी को काम विकार की आदत पड़ गई और काम विकार में उसकी सुख बुद्धि हो गई और वही वासना रह गई और बूढ़ा बुढ़ी हो गए मर, और तो उनकी इच्छा वो पूरी नहीं हुई, तो प्रकृति उनकी इच्छा पूर्ण हो इस प्रकार का शरीर दे देगी, भूंड भूंडण का, चकवा चकवी का, कबूतर कबूतरी का, खरगोश खरगोशी का, बकरे बकरी का। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ कालामुंह कर सकता है। तो जिस प्रकार की वासना से आपको सुख का अंदर भरम हो गया, उसी प्रकार की वासना पूर्ति वाली देह में ये जाएगा। मांस खाने की रुचि है, नॉनवेज खाने की रुचि है, तो फिर शेर के शरीर में अथवा जो मांस भक्षी प्राणी है उन्हीं के शरीर में यात्रा होने की। जैसे राजा नृग है, राजा अज है अथवा मुसोलिन है, तो मुसोलिन की इच्छा पैसे में थी, ज्वेलरी में थी, और चीन के सिपाहियों ने धड़ धड़ 2-4 राउंड छोड़े और उसकी मृत्यु हो गई। तो मरने के बाद उसी इच्छा के अनुसार वो मुसोलिन अभी भी झील के किनारे उस संपदा को संभाल कर प्रेत भटक रहा है। इसकी घटना मैंने विस्तार से पहले कैसेटों में कही हुई है। जैसे आपके अंदर जो इच्छा थी, फिल्म की इच्छा वाले अभी फिल्म में गए होंगे, गपशप की इच्छा वाले उधर गए होंगे, पान मसाले वाले उधर गए होंगे, और आपकी सात्विक इच्छा, सात्विक भाव आपको सत्संग में ले आए, और अभी जैसा भी आपकी इच्छा होगी, भाव होगा, स्वभाव होगा, आप वहीं जाएंगे और वैसी ही चेष्टा करेंगे। अगर इधर कोई शराबी आ जाए, जुआरी आ जाए, या तो संग से बदलेगा नहीं तो फिर जाएगा जुआ के अड्डे पे। ऐसे जीवन में आप जिस चीज को महत्व देते हो और जो संस्कार ले आते हो, तो संस्कार कितने भी घटिया ले आए और सत्संग मिल गया, भगवान का नाम मिल गया, दीक्षा शिक्षा मिल गई, तो अधों को छोड़कर ऊर्ध पे चलने की व्यवस्था मनुष्य योनि में, दूसरी सारी योनियां पराधीन योनियां है। चिड़िया 50,000 वर्ष पहले जैसा घोंसला बनाती थी वैसा ही जीती है। कीड़ी मकोड़े और दिमक जैसा 50,000 वर्ष पहले जीते थे ऐसे ही जीते, लेकिन मनुष्य में बदलाव करने की योग्यता है। मनुष्य ने मकानों का आविष्कार कर दिया, आकाश में उड़ने का आविष्कार कर दिया, अभी नहीं, हजारों लाखों वर्ष पहले। बड़े बड़े अभी जो जहाज है उससे भी बड़े बड़े जहाज हो चुके हैं। अभी जो स्थापत्य विद्या है, आर्किटेक्ट विद्या है, उससे भी बड़ी बड़ी विद्या पहले हो चुकी, फिर गायब होती है, मनुष्य फिर खोज लेता है।
लेकिन और प्राणी ऐसी खोज नहीं कर पाते, ऐसा नहीं बना पाते। सुगंध के लिए नए नए परफ्यूम, नए नए अत्र बनाना और प्राणियों का काम नहीं है। ध्वनि के लिए बड़े बड़े राग रगिनियां और साज केसियो और हारमोनियम खोजना और प्राणियों के बस का नहीं है। एसएमएस करना, मोबाइल खोजना मनुष्य नहीं किया है और लोग नहीं करते। तो ऐसे ही मनुष्य को स्वतंत्रता दी है प्रकृति ने, इसलिए मनुष्य को कर्म का फल मिलता है, कर्म का बंधन भी है और कर्म से उन्नति भी होती है। एकादशी के दिन चावल खाएंगे तो पाप लगेगा, तबीयत खराब होगी। ग्रहण के समय सोए रहेंगे तो शरीर रुग्ण रहेगा, ये मनुष्य जानता है, मनुष्य इससे ऊंचा उठ सके वाला है। लेकिन ग्रहण के समय पशु के लिए ये कुछ भी नहीं, फायदा नुकसान, क्योंकि वो तो पराधीन योनिया है, मनुष्य स्वाधीन है, ये करे वो करे कैसा करे। में तीन गुण वाली प्रकृति का ही प्रभाव दिखता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो मनुष्य की बुद्धि है तमोगुण, आए नींद का फायदा लो, आलस्य का फायदा लो, बुरा काम करना है चलो फिर देखेंगे, कहीं गलती करनी है फिर देखेंगे। एक मनुष्य जल्दी जल्दी सो गया, बोले सुबह जल्दी उठेंगे, ये तो सतोगुण की बात हुई। लेकिन उद्देश्य सतोगुण नहीं है तो जल्दी उठेंगे, गंगा किनारे जाएंगे और नहाकर ऐसी जगह पर बैठेंगे जहाँ स्त्रियाँ कपड़े बदलती रहती और देखते रहेंगे, तो उद्देश्य नीच हो गया। कर्म तो ऊंचा है, रात को जल्दी सो गए सुबह जल्दी उठे, एक नाटक एक ग्रंथ में आया हूँ। तो जल्दी उठे भी और गंगा किनारे भी गए, नहा के तिलक विलक करके बड़े भगतराज भी बन गए, लेकिन उद्देश्य हल्का है। तो आपके कर्मों के साथ आपका उद्देश्य, तो आप मंदिर में रहते हैं कि मस्जिद में रहते हैं कि कहीं रहते हैं, आप क्या खाते हैं ये सब ठीक है, लेकिन आपकी अंदर की रुचि अगर तामसी है तो उसका सदुपयोग करने की कला सीख लो, राजसी है तो उसका सदुपयोग करो, सात्विक है तो सदुपयोग करो, सत को पाने के लिए उपयोग करो, तो आपके बेड़े पार हो जाएंगे। मनोतमो गुण है, आलस्य है, नींद आती है। तो अब क्या करूं, दूसरे की निंदा करने की अपेक्षा सो गए, दूसरे की बुराई करने की अपेक्षा सो गए, दूसरे का घाटा करने बुरा चिंतन करने की अपेक्षा आप सो गए, ठीक है। आलसी हैं तो बुरा काम करने में आलस्य कर लिया, आप बच गए बुराई से। रजोगुण है, धन कमाना है, खूब कमाइए, बेटे को जन्म दीजिए, रजोगुण में ऐसे ये चाहिए ये चाहिए, बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, फलाना चाहिए चाहिए चाहिए, करिए खूब, लेकिन सत्य के लिए चाहिए, बेटा ऐसा करूं कि भगवान का भक्त हूं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती पुत्रवान तो वही है जिसका भगवान का भक्त हो, सूरवीर हो, दाता हो। तो दाता सूरवीर और भक्त, भक्त बच्चे को जन्म दिया, रजोगुण का उपयोग कर लिया, धन कमाया, यश के लिए दान किया, भक्त धर्म के लिए दान किया, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से दान किया, कोई पाप नहीं, ठीक है। थोड़े यशस्वी होइए, लेकिन यशस्वी होते होते आपकी बुद्धि और भी आगे बढ़ेगी कि चलो यश के बहाने ही मंदिर में जाओ, यश के बहाने ही संत के पास जाओ, तो फिर वहाँ सत्संग मिलेगा। तो रजोगुण से आप सत्वगुण में ऊपर उठेंगे और पता चलेगा कि मरने वाले शरीर के लिए यश क्या, ईश्वर प्राप्ति के लिए यशस्वी काम करो, अहम बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन अहम को विसर्जित करके आत्म प्रसाद पाने के लिए सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो,
ये सत्संग की बात आपको जचने लगेगी, क्योंकि वहां सत्संगियों का बाहुल्य होता है। तो जिस प्रकार के बाहुल्य वातावरण होता है, उसी प्रकार के विचार नए व्यक्ति को भी जल्दी मिल जाएंगे। आप सिनेमा थिएटर में चले जाओ, आप गाना नहीं जानते, लोफरपाई नहीं जानते, उछलंगता नहीं जानते, लेकिन आप चले जाओ तो धीरे धीरे आप भी कॉलर ठीक करने लगेंगे। गाना नहीं गाएंगे तो ये चालू कर देंगे। स्थान का प्रभाव, व्यक्तियों का प्रभाव, संघ का प्रभाव, साहित्य का प्रभाव। तो आप अपनी उन्नति चाहें तो ऊंचा संघ करिए, ऊंचा साहित्य देखिए, ऊंचे स्थानों में जाइए, जिससे पुराने नीचे संस्कार बदल जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू।